हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि एमपी पटवारी रिजल्ट आपको आ चुका है। एमपी पटवारी का आपको फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुका है। जैसे ही आप देखिएगा तो ईएसबी का आप साइट खोजिएगा, esb.mp.gov.in पे आप ये साइट खोलिएगा। आपको दिखेगा, आपको एक रिजल्ट आएगा। इसमें आपको जो है ना एप्लीकेशन नंबर डालिएगा। एप्लीकेशन नंबर अगर नहीं हो आपके पास तो रोल नंबर डालिएगा, और उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ और प्रवेश पत्र पे जो अंकित एक कोड होता है कोने में आपको दिखेगा, टीएससी कोड होता है। क्या होता है? टीएससी कोड। उसे डालने के बाद आपको जो कैप्चा आएगा, उसको कैप्चा डालने के बाद सर्च बटन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको रिजल्ट दिख जाएगा। अगर आपको जो है ना वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बाकी लोगों को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। और उसके साथ साथ आपको जो मैं बता दूं कि आपको ये जो एग्जाम का जो जो एग्जाम हुआ था, जो रिजल्ट हुआ था, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है रिजल्ट देखने के लिए। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। धन्यवाद।